नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ आदित्य गोयल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरे भारतवर्ष का युवा वर्ग खास आक्रोशित है। जगह जगह इसकी निंदा हो रही है, वहीं सारे देश के युवा इकट्ठा होकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कड़ी में जबलपुर में भी युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों के लिए कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जो शहीद भाई लोग हुए हमारे, आतंकवादियों ने जो हमला किया उसकी जो है हम कड़ी निंदा करते हैं, और जो भाई उसमें शहीद हुए हैं उसमें से हमारे जबलपुर के भी एक भाई हैं और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, और कैंडल मार्च और ये सब भाई जो हमारे शहरवासी हैंगे ये इसकी विरोध करने के लिए आए हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और हम अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ये बता दें कि हिंदुस्तान को अगर कोई आँख दिखाएगा तो उसकी आँखें नोच ली जाएंगी, और ये भी बता दें कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। जय हिंद। मेरा नाम तौसीफ सोनी है और मैं अपने सारे साथियों के साथ यहाँ, सज्जाद भाई हैं, अस्सू भाई हैं, आदिल भाई और भी अपने साथी जनों के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी की बात करते हैं, जहाँ निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो। बता दें कि महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई थी। बच्चा नॉर्मली डिलीवरी हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इनको तो हार्ट फेलियर हुआ, ये हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई कहीं और ले जाओ, या हमारे बस की बात नहीं है कुछ, ना ही उन्होंने ये कोई जवाब दिया। सीधे थोड़ी देर बाद कह दिया कि भाई बॉडी ले जाओ। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करें? ये अपने सावित्री देवी हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? सर ऐसा कि उनसे पूछा भी गया था कि बात क्या थी, कैसे मतलब ऐसे आप डेड बॉडी कैसे दे रहे हो, मतलब कोई रीज़न तो होगा इसका। तो ऐसे ही आनाकानी करने लगे, फिर बोले भाई ये तो डेथ हो चुकी है, ये वो, इसलिए हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले जाएँ। आपको लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही है? जी बिल्कुल, इसमें डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि पहले बता देते तो हम क्या पता कहीं और लेके जाते। उन्होंने जो जवाब भी नहीं दिया, ना सेटिस्फाई किया। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है, फिर उनसे पता लगेगा कि। पंकज जी, आपकी सिस्टर एक्सपायर हुई है, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये था सर, सिस्टर की डिलीवरी होने का टाइम था, एडमिट कराया गया उनको सावित्री देवी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर रीना यादव, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी, जिसको लड़का हुआ। एक लड़का होने के बावजूद कहने लगे कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसके बाद जैसे ही मैं मौके पर पहुँचा तो उन्होंने ना तो कोई संतोषजनक जवाब दिया मुझे, और आनाकानी करने लगे, ये हो गया था, वो हो गया था। उसके बाद मैं गया तो मुझे बताया कि 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। जब मुझे की कार्रवाई में शक लगा तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई तो पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया कि उनकी डेथ तो डिलीवरी होने के 1.5 घंटे बाद हुई है। 1.5 घंटे तक ना तो उन्होंने कोई स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर को बुलाया, ना कोई ये कारण बताया अभी तक कि हार्ट फेल होने की वजह से हुआ है या क्या है। सिर्फ बातों को घोलमोल करते रहे, और ना तो हमें कोई संतोषजनक जवाब दिया। अगर कोई वो आगे जवाब देते तो हम कहीं आगे देखे जाते, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते, वहीं पे उसको रखा गया, 1.5 घंटे पड़ा रखा, और पूछने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अगर पूछी तो कभी तो इधर की बात कर देते, कभी उधर की बात कर देते हैं, ना कोई संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टर की लापरवाही नहीं, सरासर ही डॉक्टर की लापरवाही है इसके अंदर। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई रात को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखवा दिया गया है, और बोर्डिंग के जो सिविल हॉस्पिटल का जो बोर्ड बैठेगा उससे पोस्टमार्टम कराना है, और इसकी वीडियोग्राफी भी करानी है, जिससे कि सच्चाई सामने खुल के आए, क्योंकि ये डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में और रिकॉर्ड अभी भी प्रेजेंट हॉस्पिटल में है, और जो इसको इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, और इन्होंने अलग से अपना हॉस्पिटल ही चला रहे हैं, सावित्री देवी हॉस्पिटल अम्बेडकर चौक के ऊपर। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर आई और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जो डेथ हुई है वो क्या पूरा मामला है? कल देर रात को सूचना मिली थी सावित्री देवी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है,
जो हम मौके पर गए थे, वारसानों ने बताया कि भाई हमने महिला की मौत के बारे में डॉक्टर से पूछा तो वो कभी हमें हार्ट अटैक और कभी दौरे आने के कारण बता रहे हैं। जो आशा देवी है उनको डिलीवरी केस में एडमिट कराया गया था, जिसको एक बच्चा भी हुआ है वहाँ पे, बच्चे के बाद उसकी डेथ हो गई थी। जो हमने डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आज उसका पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी उसको हम साथ नियम अनुसार करवाई। बुलंदशहर जिला औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का कमिश्नर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, हालांकि शुभारंभ आधी अधूरी तैयारियों के बीच ही हो सका। यूपी के बिजनौर में पेड़ से लटका युवक का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना में गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कफन में लिपटी यह लाश अर्जुन नाम के युवक की है, जो बिजनौर में सिकंदरपुर इलाके का रहने वाला है। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी जांच शुरू कर दी। ये थाना शिवाला कला अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर के बाहर पेड़ से लटकी हुई एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलवामा आतंकी हमले पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को दो दिन पहले से ही इस घटना के होने की खबर थी, उनके मन में है और आज के बजट के बाद निराशा और बढ़नी तय है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मामला और वो है तो हरियाणा के लोगों के ऊपर और कर्जा बढ़ेगा इस बजट के माध्यम से। इन्होंने पिछले 4 वर्ष में जो हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो कर्जा था उसको डबल करने का काम किया, ये और बढ़ेगा। तो पूरी तरीके से बाकी तो हम देखते हैं, 25 को बजट आएगा, लेकिन उम्मीदें कम हैं क्योंकि ना बड़े प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने हरियाणा को दिए, ना प्रदेश की सरकार ने दिए, और हरियाणा को पीछे ले जाने का काम हर दृष्टि से इन लोगों ने किया। इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, पैसा खाया, अगर और ऐसे मदों में इन्होंने पैसा खर्च किया जहाँ कुछ दिखता नहीं। स्वच्छता अभियान की भी इन्होंने बात की, लेकिन पूरा हरियाणा आज गंदगी का ढेर, हर मोर्चे पर विफल सरकार है। आतंकवाद जो हुआ है पुलवामा के तब तकरीबन 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, कुछ कंक्रीट सामने नज़र नहीं आ रहा है। सरकार अगर कुछ कंक्रीट करती आज इस तरह के हालात नहीं बनते। आज देश में आतंकवादी सबसे बड़ा ये हमारे अगर सैनिकों के ऊपर कहें तो हमारी ज़मीन के ऊपर ये इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान के इशारे पर वो हो गया है। आज वहाँ पर प्रेजिडेंट्स रूल है, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी, मंत्री गृह मंत्रालय उनके पास है, कहाँ फेलियर हुआ। अमेरिका को 2 दिन पहले पता था कि इस तरीके से होने वाला है। खुद CRPF ने हेलीकॉप्टर मांगे, उनको वो नहीं मिले। कहीं ना कहीं बड़ी साजिशें भी इसमें दिखती हैं, और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है राहुल जी के नेतृत्व में कि हम पूरा विपक्ष और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी सरकार के हर उस कदम जिससे हमारा मान प्रतिष्ठा, हमारा गौरव और हमारे सैनिकों को जिस तरीके से मारा गया, उन शहीदों को उनकी आत्मा को शांति जैसे भी मिले वो कदम उठाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन लगता नहीं कि इस सरकार की कुछ इच्छा शक्ति है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें CMN।